हाँ यहीं से ये सब थोड़ा मना देखने के लिए मिल जाता है। पब्लिक अच्छा। लोग आते हुए आ रहे हैं, किस प्रकार लोग नहा रहे हैं इस फल्गु नदी में, यही वो चीज है जो आपको हम दिखाने के लिए यहाँ पर लाए हैं। दो रबर डैम बनने के बाद बहुत कुछ यहाँ पे बदलाव आया है, तो उस चीज को हम लोग वही देखेंगे। चलते हैं आगे। और इधर भी आप देख सकते हैं ये खूबसूरती में कोई कमी नहीं है। अभी चौथा सीढ़ी के बाद पानी जो है फल्गु नदी का आ चुका है। तो 8 फीट का कच्ची रास्ता, मट्टी जिससे हम लोग कभी कभी गिर भी जाते थे, वैसे भी बनाई हुई है। बीच बीच में कहीं कहीं सीढ़ियां ये दिया गया है, घाट जैसा बनाया गया है। नमस्ते दोस्तों, वेलकम बैक माय न्यू ब्लॉग। दोस्तों आए थे फल्गु नदी चित्रकूट घूमने, तो मैंने जो देखा सोचा कि आपसे शेयर जरूर करें। दोस्तों यहाँ पर जब हम लोग चित्रकूट से रबर डैम तक बढ़ते थे तो हमें कच्ची रोड का सामना करना पड़ता था, बट ऐसा कुछ नहीं है, बहुत कुछ बदल गया है। तो चलिए आपको क्या बदला है क्या है तो हम आपको आगे दिखाते हैं। वीडियो के अंत तक बने रहिएगा, चलते हैं। तो दोस्तों अभी हमें सीताकुंड, जैसे कि आप देख पा रहे हैं, तो आज का नया बहुत बड़ा अपडेट ये है कि फल्गु नदी में पानी वापस आ चुकी है। आप देख पा रहे होंगे ये है फल्गु नदी, जिसके कारण खूबसूरती फिर से वापस आ चुकी है। सीताकुंड घूमने आने वाले लोगों को बहुत बड़ा खुशी है इस कारण कि फल्गु नदी में पानी आ चुकी है। एक चीज और है कि यात्रीगण जो पिंडदान करने आते हैं यहाँ पर, उनको भी समस्या झेलना पड़ रहा था, बट अब वो समस्या नहीं झेलना पड़ेगा क्योंकि फल्गु नदी में पानी आ चुका है। रबर डैम जो घूमने आते हैं उनको भी बहुत अच्छी खुशी है इसके कारण जो पानी आ चुकी है। चलिए हम आगे अपडेट देते हैं, आगे भी बहुत कुछ सीताकुंड में बदल चुका है, तो चलते हैं। दोस्तों आप देख पा रहे हैं ये है फल्गु नदी जो कि इतनी खूबसूरत दिख रही है। काफी दिनों के बाद फिर से ये मौका देख पा रहे हैं किस प्रकार लोग नहा रहे हैं इस फल्गु नदी में। तो ऐसा मौका हमेशा नहीं मिलता है कि फल्गु नदी में लोग नहाते हैं, और यहाँ पे लग रहा है कि हम लोग गंगा में आ चुके हैं फिर से। तो ये फल्गु गंगा है जिसका दर्शन हम लोग अभी कर रहे हैं। तो फिर आगे चलते हैं, देखते हैं आगे बहुत कुछ अपडेट हुआ है सीताकुंड में। जैसे कि आपको पता होगा कि रबर डैम बनने के बाद बहुत कुछ यहाँ पे बदलाव आया है, तो उस चीज को हम लोग वही देखेंगे। चलते हैं आगे। तो दोस्तों नया अपडेट यही है जो आप देख पा रहे हैं, ये सीताकुंड से रबर डैम तक ये रास्ता ले जा रही है, जो कि आप देख पा रहे हैं ये 60 फीट चौड़ी रोड बनकर तैयार हो चुका है। जैसे कि पहले आप देख रहे होंगे तो 8 फीट रोड, कच्ची रोड हम लोग जाते थे सीताकुंड से रबर डैम तक, बट अब आप नया अपडेट आप देख सकते हैं, यही अपडेट है जो कि आज मैं आपको दे रहा हूँ। 60 फीट चौड़ी जो रोड बन चुकी है सीताकुंड से रबर डैम चलने के लिए, तो अब कोई दिक्कत नहीं है, किसी तरह का कोई समस्या नहीं। काफी लोग यहाँ पर घूमने के लिए रोज आ रहे हैं, आप देख पा रहे होंगे। और इधर भी आप देख सकते हैं ये खूबसूरती में कोई कमी नहीं है अभी सीताकुंड और फल्गु नदी का। तो दोस्तों इसी रोड के सहारे अब हम लोग बढ़ेंगे रबर डैम की तरफ कि आगे क्या हुआ है काम और कैसा दिख रहा है। तो चलिए हम आपको अब रबर डैम तक ले चलते हैं इसी रोड के थ्रू, जो कि बनकर ये खूबसूरत सा जो आपको देखने को मिल रहा है, जैसे कि लग रहा है कि कहीं हम लोग बाहर आए हुए हैं, गया में नहीं है। तो मैं बता दूं कि ये गया का ही व्यू है सीताकुंड रबर डैम। तो दोस्तों मैं बता दूं कि सीताकुंड रबर डैम ये चौड़ी रोड बनाया गया है जिसके सहारे आप चल रहे हैं, और खूबसूरती की कोई कमी नहीं है। आप देख पा रहे हैं फल्गु नदी में जब पानी आ गया है तो यहाँ की खूबसूरती 100 दुगनी बढ़ चुकी है, और लोगों की संख्या बढ़ते हुए दिख रही है। लोग यहाँ पर काफी संख्या में घूमने के लिए आ रहे हैं। तो चलिए आगे भी हम लोग देखते हैं कि आगे क्या चेंजिंग हुआ है। तो आप देख सकते हैं दोस्तों इस प्रकार से सीढ़ियां भी बनाई हुई है, बीच बीच में कहीं कहीं सीढ़ियां ये दिया गया है, घाट जैसा बनाया गया है। आप देख पा रहे हैं फल्गु नदी का पानी सीढ़ियों के ऊपर चढ़ चुकी है, 1, 2, 3 और चौथा सीढ़ी के बाद पानी जो है फल्गु नदी का आ चुका है। हम लोगों का फिर आप देख पा रहे होंगे खुशी जगह पे, जैसे कि हम लोग किसी बाहर टूर में आ चुके हैं, बट ये गया का सीताकुंड फल्गु नदी विष्णुपथ का ये लोकेशन है जो कि आप देख पा रहे हैं। हम लोग गया में ही हैं, और गया का ये खूबसूरत सा व्यू जो हम लोग को देखने को मिल रहा है।
तो यहाँ पर कुछ भाई लोग हैं जो कि खूब इंजॉय कर रहे हैं और इनके इनके साथ जो भी हैं और लोग नहा रहे हैं जो कि पानी अभी नाप कर मुझे दिखाए फिर से दिखाएंगे कितना पानी है। इनसे बात करते हैं भैया, यहाँ पर आप सीताकुंड से ही हैं? हाँ जी, हाँ जी। आपका नाम क्या हुआ? मैं हुआ बंटी कुमार। हुआ बंटी कुमार। तो यहाँ पर आपको देखने में कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा, बहुत अच्छा लग रहा है। घूमने का एक अच्छा माहौल जगह बन गया है। लोग सामने में मॉर्निंग वॉक करने भी आते हैं, सुबह में मॉर्निंग वॉक करने के लोग आते हैं। अच्छा लग रहा है यहाँ पर देखने में, अच्छा बन गया है। यहाँ पे काफी लोग की संख्या पहले से बढ़ी है कि कमी है? नहीं, पहले से बढ़ी है। अभी तो ऐसा संडे आज शनिवार है ना, इसी कारण कल संडे करो इससे भी ज्यादा रहेगा। अच्छा। कल संडे इससे भी ज्यादा रहेगा। फिर और लोग हैं यहाँ पर। आपका क्या नाम हुआ भैया? चंदन कुमार। चंदन, आप कैसा यहाँ पे महसूस कर रहे हैं? बहुत अच्छा लगता है यहाँ पे घूमने में। घूमने में ये नदी में पानी देखने में कैसा लग रहा है? नजारा कुछ काफी ज्यादा अच्छा लगता है। थोड़ा गया लग रहा है कि गंगा के घाट के किनारे खड़े है ना। लगता है जैसे गंगा में घूम रहे हैं, गंगा के साइड में। गंगा नहीं कह रहे, हमसे नहीं पूछे क्या बता। चलिए अच्छी बात है, कोई बात नहीं है। जिनको बताना ऐसी बात है, जिनको अच्छा लग रहा है वो तो बताएंगे ही, है ना। आपका क्या नाम हुआ भैया? आनंद कुमार। आनंद कुमार, आपको कैसा लग रहा है यहाँ पर? अच्छा लग रहा है। अच्छा लग रहा है, आप यहीं से हैं? हाँ, यहीं से। ये सब थोड़ा मना देखने के लिए मिल जाता है। पब्लिक अच्छा। लोग आते हुए जाते हुए, भीड़ है, अच्छा लगता है। दशहरा मेला की तरह लगता है। सीताकुंड के लोग हैं, उनसे मुलाकात हुआ, बहुत अच्छा लगा। तो दोस्तों देख पा रहे हैं 60 फीट का ये रोड जो है सीताकुंड से रबर डैम तक पहुंच चुकी है। आप देख पा रहे होंगे रोवर डैम बगल में। तो आज का अपडेट यही रखेंगे हम आप लोग का। एक अद्भुत अपडेट दिया हूं और बहुत खूबसूरत लगने लगा है पहले से। तो आप देख पा रहे होंगे यहां पे पहले से भी ज़्यादा संख्या में लोग घूमने के लिए पहुंच रहे हैं। तो दोस्तों आज का अपडेट यही रहेगा, क्योंकि आज मैं यही अपडेट देने के लिए यहाँ पर सीताकुंड फॉर रबर डैम आया था। तो दोस्तों अगर आज का वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मिलेंगे आपको एक नए वीडियो के साथ। जय हिंद, जय भारत।